छह महीने हो गए, आज तक पता नहीं चल सका कि नवाज शरीफ पर इल्जाम है या नहीं। ये जाली केस है, बड़े मंसूबे के तहत सब कुछ हो रहा है। ऐसे लोगों को कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए जिनकी वजह से वजीर आजम ना अहल हुआ। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रब्बानी का नाम इसलिए दिया कि वो मौजूद आदमी और अपना काम अहसन तरीके से करते हैं। और ट्रेडिंग रोकने के लिए एक कानून बनना चाहिए जिसके लिए हम सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं। जीआईटी रिपोर्ट का सारा निचोड़ वॉल्यूम 10 था। वॉल्यूम 10 को बड़े सबूतों के तौर पर पेश किया गया। इस रिपोर्ट का तिया पांचा हो गया। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। लीग रहनुमा दानियाल अजीज बोले कि अब तो मरियम नवाज के केस में रॉबर्ट ब्रैडले ने भी कह दिया कि कैलिबरी फोन डाउनलोड किया जा सकता था। आज वाजिद ज़िया ने कह दिया कि वॉल्यूम 10 गैर जरूरी हो गया है, हम जो तनकीद करते थे उसका मतलब ये था कि हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हाजिरी के बाद वापस चले गए। जीआईटी के सरबरा वाजिद ज़िया अदालत में पेश। इवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस पर समाअत के आखिरी मरहले में तफ्तीशी अफसर बयान कलमबंद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तलाल चौधरी को 14 फरवरी को पेश होने का हुक्म। होगा सियासी जोड़तोड़ और राब्तों में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना सेनेटर लाने के लिए सरगर्म। मुलाकातों में सियासी जमातों से वोटों की दरख्वास्त। नवाज शरीफ के जेर सदारत पंजाब हाउस में आज भी अहम बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की नवाज शरीफ की तजवीज मुस्तरद कर दी। निजाम को सबसे बड़ा खतरा नवाज शरीफ और मरियम नवाज से है। सेनेट में अलविदा तकरीर या फिर कुछ और फर्ज। बाबर से पार्टी तर्जुमान का ओहदा वापस ले लिया गया। जराए के मुताबिक फरतुल्ला बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहेंगे। नया तर्जुमान कौन होगा अभी तक फैसला न हो सका। शेर आज फैसलाबाद में दहाड़ेगा। धोबीघाट में लीगी कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज शेर आज फैसलाबाद में धाड़ेगा। धोबी घाट में लीगी कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गई। खातीन के लिए अलग जगह मुख्तस। कन्वेंशन के लिए फ्लैक्सेस और बैनर्स आवेज़ा। सुप्रीम कोर्ट में दोहरी शहरियत खुद नोटिस केस की समाअत। चौधरी सरवर को दोहरी शहरियत छोड़ने का हलफनामा जमा कराने की हिदायत। इंतखाब से दो दिन पहले वतन की मोहब्बत याद आ जाती है, ये है पाकिस्तान के नुमाइंदे। वहाँ फायदा हुआ तो वहाँ की शहरियत ले ली, यहाँ की मौजें देखी तो यहाँ वापस आ गए। चीफ जस्टिस के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में LDACD अजखुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को 10 मार्च को तलब कर लिया। ख्वाजा साद वजाहत करें कि पैरागॉन सिटी और इस्लामाबाद ट्विन टावर से क्या ताल्लुक है। LDA ने किस हैसियत से ठेकेदारों से मुआहदे किए। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया।
आम लोग इत्तेहाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चेयरमैनशिप के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की दरख्वास्त मुस्तरद, मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। सिविल अदालत के फैसले के बाद रजिस्ट्रेशन बहाली का मामला सुना जाएगा इलेक्शन कमीशन। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात अमरीका के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने पाकिस्तान के लिए। जरूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो। हमें एक दूसरे के तहफ्फुज़ात पर बात करना होगी। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल ने कहा है कि धरती पर लहू निछावर करने वाले शहादा पर फख्र है। आज पाकिस्तान में काफी हद तक अमन कायम हो चुका है। ऑपरेशंस दहशतगर्दों और सहूलतकारों के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। पाकिस्तान आज तरक्की के रास्ते पर गामजन है। सीपैक जैसे मंसूबे हमारे लिए एक संगे मील है। 2025 तक पाकिस्तान को बेहतरीन मईशतों में शामिल करेंगे। बन्नू में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तूतगढ़ी मेरा ख्याल के गेट पर बंदा बम नाकारा बना दिया। बम के साथ पेट्रोल भी रखा गया था। उधर कोयटा करानी रोड कली चाकर में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जांबाह के एक जख्मी हो गया। हजारों मुसलमानों की कातिल अम की नाम निहाद रखवाली आंग सान सू ची को एक और धचका। अमरीका के होलोकॉस्ट म्यूजियम ने सू ची को दिया गया नोबेल इनाम वापस ले लिया। आंग सान सू ची पहले भी कई एजाजात से महरूम हो चुकी है। शामी इलाके गौता में हुकूमत और इत्तेहादी फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। बच्चों समेत 800 से ज्यादा अफराद लुक्मा अजल बन गए। सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गौता में इलाकों अफराद जेर जमीन रहने पर मजबूर। शामी हुकूमत की ढिठाई बरकरार, जंग बंद ना करने का ऐलान।